शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हदिया। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में। शाहरुख ने किससे लिया अपना नाम वापस? कौन सा डर है शाहरुख को? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। शाहरुख खान की फिल्म जीरो दर्शकों को प्रभावित और इम्प्रेस करने में असफल साबित हुई। ऐसे में फैंस को किंग खान की अगली फिल्म सारे जहां से अच्छा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब शाहरुख ने इस प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। कहा जा रहा है शाहरुख खान अब करियर को वापस पटरी पर लाने के लिए किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको बता दें कि सारे जहां से अच्छा फिल्म अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा की जिंदगी पर आधारित थी। खबरों की माने तो शाहरुख ने डॉन 3 के लिए इस फिल्म को छोड़ा है। अब फिल्म के मेकर्स किसी और अभिनेता की तलाश कर रहे हैं। वैसे किंग खान के इस निर्णय ने सबको हैरान कर दिया है। फिलहाल शाहरुख खान की तरफ से इस बात की कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खबर है कि शाहरुख खान और डॉन सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर फरहान अख्तर के बीच की कड़वाहट दूर हो चुकी है। दोनों मिलकर अब डॉन 3 बनाने पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉन और डॉन 2 दोनों फिल्में शाहरुख खान के करियर की सुपरहिट फिल्में रही हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सारे जहां से अच्छा ठुकराने के बाद शाहरुख का ये फैसला उन्हें भारी पड़ जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान राकेश शर्मा की बायोपिक को छोड़कर वो डॉन 3 पर सारा ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच से ये भी खबर आई थी कि डॉन 3 ठंडे बस्ते में जा सकती है, क्योंकि फिल्म के निर्माता फरहान अभी अपने एक्टिंग करियर पर पूरी तरह फोकस करना चाहते थे। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में इस फिल्म के को प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी का एक बयान सामने आया, जिसे जानने के बाद फैंस काफी खुश हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के को प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने हर एक कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। रितेश ने कहा है कि हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं और हमें भी नहीं पता है कि ये कब बनेगी। इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को देखने के लिए हर कोई बेताब है और हम फैंस को निराश नहीं करना चाहते हैं। रितेश के इस बयान से फिल्म के फैंस को काफी राहत मिली। आपको बता दें 2006 में शाहरुख को लेकर फरहान अख्तर ने डॉन बनाई थी, जो अमिताभ बच्चन डॉन का रीमेक थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद 2011 में डॉन 2 बनाई गई। इस फिल्म के एंड में डॉन 3 की झलक दिखाई गई थी। 8 साल होने को आए, लेकिन डॉन 3 के केवल चर्चे ही सुनने को मिल रहे हैं। अब तक कोई भी अनाउंसमेंट इसके मेकर्स की ओर से नहीं की गई। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं डॉन 3 की अनाउंसमेंट के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।